हाय गाइस, नमस्कार जोहार। आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जंगल घूमने जा रहे हैं और नहीं पता है इस जंगल का क्या नाम है, पर आज मौका मिला। शाम के समय लगभग 5 बज रहा है और 5 बजे हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोग मिलकर हम लोग सोचे कि नहीं, आज जंगल की सैर करना चाहिए। बहुत दिन से मुझे भी जंगल घूमने का अवसर नहीं मिला था और मैं चाह रहा था कि जंगल घूमूं, क्योंकि बचपना जंगल झाड़ में ही बीता है और अभी भी बीतता है। लेकिन काफ़ी भाग दौड़ जिंदगी होने के बावजूद जंगल घूम नहीं पाता हूं। और आज हम लोग 3 साथी हैं और मैं पहले दिखाऊंगा 3 साथी कौन कौन हैं। और आज तीनों ने प्लान बनाया कि आज पूरा घूमेंगे। और ये जो जंगल है, कोई जाना पहचाना नहीं है, बस दूर से देखे हैं। लेकिन आज इस अनजान जंगल में हम तीनों घूमने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे 2 लोग हैं और हम आ रहे हैं पीछे पीछे। और आप देख रहे हैं इधर जंगल दिखाई दे रहा है और इधर जो है खेत वगैरह सब है और धान की खेती यहाँ पे किया हुआ है। और चलते हैं, आप सबों को दिखाते हैं। मेरे और 2 दोस्त हैं, उनसे मिलवाते हैं। आप मिल चुके हैं, लेकिन भी हम दोबारा आप सबों को मिलाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, साथ साथ जाते हैं और साथ साथ घूमते फिरते हैं। मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम सबसे पहले परिचय कराएंगे। आप देख रहे हैं पीछे से आ रहे हैं, इनसे परिचय कराते हैं। चलिए, आज का जंगल हम लोग का घूमने का प्लान। हाँ, जय जोहार। तो आज हम लोग जंगल घूमने का प्लान बनाए हैं, तो जंगल के बारे कुछ 1-2 शब्द बोलिए। आप देख रहे हैं और एक साथी हैं, बंसूरी की तान से पूरे जंगल को मतलब बता रहे हैं कि हम लोग आगे हैं, आप जाग जाइए। और हम लोग घूमने के लिए आए हैं, बंसूरी की ताल के साथ इन्हें एक संदेश दे रहे हैं कि आज हम लोग जंगल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं, ये स्टार्ट है, ये शुरुआत है। आगे जो हम लोग आ रही है फूल, ये रंग बिरंगा है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी कितना अच्छा फूल लग रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं, ये जो आप देख रहे हैं इधर काफ़ी जंगल है और इस जंगल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जंगल जो है सखुआ पेड़ से भरा हुआ है, सखुआ पेड़ से भरा हुआ है ये पूरे जंगल। बहुत ही मज़ा आएगा। अब जब भी यहाँ आएंगे, यहाँ बहुत ही शांत और क्या बताएंगे, ये जो जंगल है एकदम ठंडा, आप देख सकते हैं। ये जो जंगल है पूरा लंबा लंबा पेड़ है, आप देख सकते हैं कितना लंबा पेड़ है। और इस दूर से दिखता है बहुत छोटा, लेकिन सामने से जब आते हैं तो काफ़ी लंबा लगता है ये। और यहाँ पे महुआ का भी पेड़ है, आप देख सकते हैं, ये महुआ का भी है, आम का भी है, काफ़ी सारा पेड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब भी आप सभी को कभी मौका मिले तो जंगल की सैर आप सभी ज़रूर करें, ताकि आप सबों को जंगल की जो सुगंध है, यहाँ की जो वातावरण है। चढ़ चुके हैं और आप सबों को हम दिखाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है उधर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी घनघोर जंगल लगी है और
कैंगोर जंगल में मज़ा भी आ रहा है, एडवेंचर या क्या बोलेंगे हम लोग, मज़ा भी आ रहा है, घूम रहे हैं। और ऐसा हमने पहले भी घूम चुका है, लेकिन मेरे जो दो साथी हैं वो कभी घूमे नहीं थे, उनके साथ उनको भी जंगल का सैर कराया जाए। और इन दोनों का काफ़ी पहले सोच रहे थे कि हम लोग जंगल घूमेंगे, और ये लोग कभी जंगल घूमे नहीं थे साथी लोग, इस वजह से घूमने आना पड़ा। मैं तो काफ़ी घूम चुका हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं दोनों साथी, हम सबसे पीछे और मेरे दो साथी आगे। लग रहा है कि आज लोग पूरा पहाड़ का आनंद ले रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हम लोग आज का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी है, एक ढोड़ी है पेड़ का जो सड़ गया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जंगली जानवर, यहाँ की जो रहने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं यहाँ पे आके पानी पीते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका आने जाने का आप देख सकते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। आप इतने ऊपर, साल पेड़ भी बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देख सकते हैं ये पानी यहाँ पे अभी भी लबालब भरा हुआ है। और जितना भी यहाँ पे रहने वाले जंगली जानवर यहाँ अपना प्यास बुझाते हैं। और देख सकते हैं जगह रस्सी भी है, नहीं पता ये रस्सी, हम लोग पहुँच चुके हैं ये लास्ट जो जगह है। और यहाँ पे हम पीछे पीछे आ रहे हैं, और दो दोस्त पहुँच चुके हैं, और चढ़ते वक्त काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ पे कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं चट्टान है, बैठ सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और ये पूरा समतली लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बैठने के लिए। देखिए इतना थक गया कि पूरा लेट गए, और पूरा मज़ा आ रहा है। और चलिए आगे का जो नज़ारा इस क्षेत्र से दिखता है वो सारा नज़ारा आप सबों को दिखाते हैं बैठ के, खड़ा होकर। कैमरा इधर उधर पूरे आपको नहीं दिखा पाएंगे, आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है। और इस घनघोर जंगल में हम लोग आए हैं, और देख सकते हैं पूरी तरफ, अगर कोई नया आदमी आए तो चढ़ने में उनको बहुत दिक्कत हो जाए। और ख़ासकर जो जिनको सांस लेने की दिक्कत होती है वो तो पहाड़ ना ही चढ़े, नहीं तो फिर ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे उधर गांव सब भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आप सबों को दिखा नहीं पाएंगे, काफ़ी दूर में है। जंगल आएंगे देख सकते, हम बता देना चाहते हैं कि मौसम के आधार पर आप बरसात के अगर मौसम में हैं तो आपके साथ रेनकोट या छतरी लेके आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और गर्मी की सीज़न है तो गर्मी में भी आप, और पानी ज़रूर लेके चढ़िए, पानी और कुछ खाने के लिए आप ज़रूर लेके आएँ। आप थोड़ा सा अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगेगी, और आपको कुछ भूख भी लगेगी। तो हम कहते हैं कि आप खाने के, मतलब आने के साथ खाने का सामान भी आप ज़रूर लेके आएँ, ताकि आपको जब भी भूख लगे तो आप खा सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें, और हमेशा आवाज़ करते हुए इसलिए आगे बढ़े कहे कि कोई जंगली जानवर अगर हो तो वो रास्ता से साइड हो जाए। और दूसरी बात है कि आप देखिए जंगली जानवर के साथ नीचे सांप बिच्छू या गोजर बहुत सारा चीज़ भी रहते हैं, तो उनके भी आप साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आप जब भी आएंगे तो अपने साथ फूल कपड़ा, अगर बरसात के सब मौसम में आ रहे हैं तो कम से कम फूल यहाँ तक कपड़ा, अगर टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं तो क्या होगा कि आपको मच्छर नहीं काटेगी, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे अधिक मच्छर काटती है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब भी आएँ तो अपना चप्पल पहन के मत आएँ, आप
जूता पहन के आएंगे तो बेहतर होगा। और तीसरी चीज़ है कि आप एक ही साथ आगे मत बढ़े, रुक रुक के बढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एनर्जी आपका आएगा। आप एक ही साथ अगर चढ़ेंगे तो आपको काफ़ी थकान सा महसूस होगा। जंगल पहाड़े बेंदो काला रंग रे बेंदो काला रंग, जंगल पहाड़े बेंदो काला रंग रे बेंदो काला रंग, ये को डायर जाबे बेंदोला रंग रे दियो डायर जाबे बेंदोला रंग, सीरी ओरियो बेंदोला रंग रे सीरी ओरियो बेंदोला। अरे क्या मिल गया, देखिए देखिए, वाह वाह क्या बात है, देखिए मोर पंख, मोर पंख, वाह क्या बात है। आज का दिन हम लोगों के लिए आए तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, साथ ही साथ मोर का पंख भी हम लोगों को मिला। और ये लास्ट ऊपर पहाड़ की जो चोटी है उसी पे मिला, और ये भी है हमारे जो महुआ पेड़ आप देख रहे हैं इसी महुआ पेड़ के छांव में मिला। और महुआ पेड़ के छांव में बहुत कुछ हम लोगों को मिलता है और देते भी रहता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये है काफ़ी खूबसूरत मोर पंख। चलिए